आज का प्रोडक्ट स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए जो हमेशा अपने घर के लिए एक ऐसा अप्लायंस मार्केट में सर्च करते हैं जो उस कैटेगरी का सबसे बेस्ट मॉडल हो, जिसके अंदर आपको सबसे बेस्ट एंड सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती हो। आज मैं ऐसा ही एक वॉशिंग मशीन आपके सामने लेके आया हूँ जो फ्रंट लोडिंग कैटेगरी से है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे यूनिक फीचर एंड इंडिया के अंदर जितना भी वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल है उन सबसे ये मॉडल सबसे आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मॉडल के बारे में जानते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बॉश की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के बारे में। क्या इस वॉशिंग मशीन में आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके प्रोग्रामिंग्स आपको मिलते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ड्री के अंदर डिटर्जेंट डालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। एनालाइज द टाइप ऑफ टेक्सटाइल और फैब्रिक, जो कपड़ा आप वॉश करने वाले हो वो किस तरीके का है। नंबर टू, डिटरमिन द डिग्री ऑफ स्वेलिंग, कपड़ा कितना गंदा है। नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोड वेट, जो कपड़ा आप धो रहे हो उनका वजन कितना है। नंबर फोर, कैलकुलेट द लोड वॉल्यूम टू द ड्रम रेशियो, कपड़ों का लोड का वॉल्यूम कितना है और ड्रम का रेशियो कितना है। नंबर फिफ्थ, डिटरमिन द डिग्री ऑफ वाटर हार्डनेस, पानी की हार्डनेस कितनी है। नंबर सिक्स, फाइनली प्रिसाइजली मीटर आउट डिटर्जेंट, आपने बिल्कुल एक्यूरेट डिटर्जेंट उसमें डालना है। तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, इसीलिए बॉश ने डेवलप किया है नया आईडोज सिस्टम, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट डोजिंग सिस्टम। तो इस आईडोज के बारे में जानने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं मशीन के ओवरव्यू के बारे में। सीरीज 6 कैटेगरी का ये मॉडल आता है 9 kg के अंदर। 9 kg में आपको बेसिकली दो वेरियंट देखने को मिलेंगे, व्हाइट एंड सिल्वर आइनॉक्स। यही मॉडल आपको 10 kg में भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको व्हाइट कलर की फिनिश में आएगा। प्राइसिंग की बात करें तो 62,690 का इसका MRP है, जो आपका 9 kg के अंदर आता है, एंड 60,590 का इसका व्हाइट कलर का वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसके मैं 10 kg की MRP की बात करूँ तो 68,090 का इसका MRP आएगा। बाकी इसके बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका Amazon का लिंक आप चेक कर सकते हैं, तो आप चाहो तो वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस आईडोज टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके डिटर्जेंट डिस्पेंसर में आपको दो चैम्बर देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आपको मिलेगा फैब्रिक सॉफ्टनर का, दूसरा आपको मिलेगा लिक्विड डिटर्जेंट का। 1.3 liter का आप लिक्विड डिटर्जेंट उसमें आप फिल करके स्टोर कर सकते हैं, एंड 0.5 liter का फैब्रिक सॉफ्टनर। ये आपका टोटल 20-25 वॉशेज तक चलता है। इसका इंटेलिजेंट डोजिंग सेंसर एनालाइज करता है आपकी लॉन्ड्री को और कैलकुलेट करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लिक्विड उस वॉशिंग प्रोग्राम में उसको चाहिए। मशीन लिक्विड को इन करके प्रिसीजन पंप के थ्रू उसको मिलीलीटर तक कन्वर्ट कर देती है, जिसकी हेल्प से वॉशिंग के दौरान ना ही डिटर्जेंट की ओवरडोजिंग होती है ना ही अंडरडोजिंग होती है। डिटर्जेंट की ओवरडोजिंग की वजह से जो वॉशिंग मशीन अपने आप ही रिंस का साइकिल एड ऑन कर लेती थी, वैसा कोई प्रॉब्लम आपको आईडोज टेक्नोलॉजी के साथ देखने को नहीं मिलेगा। इस आईडोज टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप पूरे साल का बहुत सारा वाटर और बहुत सारा लिक्विड आप सेव कर सकते हैं। आईडोज टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप कितना वाटर सेव कर सकते हैं, आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल से। आपकी स्क्रीन पे दो वॉशिंग मशीन के 5-star rated स्टिकर हैं, जिसमें से लेफ्ट वाला है बॉश का 9 kg आईडोज वाला मशीन,
एंड राइट वाला है कॉम्पिटिशन ब्रांड का टॉप मॉडल 9kg वाला, जिसमें अगर बॉश के 9kg आइडोज वाले मॉडल की वाटर कंजम्पशन की बात करूँ तो 1kg वॉश करने में ये 6.20 लीटर वाटर कंज्यूम करता है। मतलब अगर आपने इसमें फुल लोड वॉश किया तो 55.8 लीटर टोटल ये वाटर कंज्यूम करेगा। वहीं दूसरी तरह कॉम्पिटिशन ब्रांड की बात करें तो वो 9 लीटर पानी लेता है 1kg कपड़ा वॉश करने में। अगर फुल लोड की बात करें तो 81 लीटर का वाटर कंज्यूम इसके अंदर मेरे को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस तो अप्रॉक्सीमेट 25 लीटर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आप ये मशीन आप कितने सालों तक कितने महीनों तक आप यूज़ करेंगे आप देख सकते हो कि आप कितना वाटर आप सेव कर सकते हैं। जब आपका वाटर कंजम्पशन कम होता है तो आपका एनर्जी कंजम्पशन भी ऑटोमेटिक कम होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके एनर्जी कंजम्पशन की तो जो बॉश की मशीन का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 0.065 का है एंड आप कॉम्पिटिशन ब्रांड का देखेंगे तो 0.09 का इसका आपका एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिल जाता है। देन हम बात कर लेते हैं इसके कुछ वॉशिंग प्रोग्राम्स के बारे में। सबसे पहला प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें कॉटन का, जिसमें इसका जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 9kg का, तो पूरा 9 किलो कपड़ा आप इस वाले प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम में अगर आप इसका स्पीड परफेक्ट मोड को एक्टिवेट करते हैं देन आपका जो लोडिंग कैपेसिटी होता है वो 5kg ले जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो कोल्ड से लेकर 90 डिग्री तक का टेम्परेचर का इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। 400 से 1400 RPM के बीच में मशीन वर्क करती है और इसके साथ आप प्री वॉश आप एक्टिवेट कर सकते हो, एक्स्ट्रा रिंस का साइकिल आप बढ़ा सकते हो, एंटी रिंकल और स्पीड परफेक्ट ये दोनों चीज़ें भी आप सेपरेटली एक्टिवेट कर सकते हो। और इस वाले प्रोग्राम पे मशीन डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करती है। सेकेंड प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें कॉटन 60 डिग्री लेवल का। कॉटन का वो कपड़ा जो बहुत ज़्यादा गंदा है और जिनका लेंथ काफ़ी बड़ा होता है। इस वाले प्रोग्राम में जो आपको लोडिंग कैपेसिटी मिलता है वो 9kg का मिलता है। टेम्परेचर इसके अंदर फिक्स्ड है 60 डिग्री का। RPM इसमें 400 टू 1400 RPM के बीच में मशीन वर्क करता है। प्री वॉश, एक्स्ट्रा रिंस, एंटी रिंकल एंड स्पीड परफेक्ट ये सब चीज़ें आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनर दोनों चीज़ों का मशीन यूज़ करती है। थर्ड प्रोग्राम आपको मिलता है सिंथेटिक का। इसमें जो आपका लोडिंग कैपेसिटी मिलता है वो 4kg का मिलता है। 4 किलो तक का कपड़ा आप इसमें वॉश कर सकते हैं। टेम्परेचर का जो रेंज मिलता है वो कोल्ड से लेकर 60 तक का मिलता है। RPM इसमें आप 400 टू 1400 तक जा सकते हैं। प्री वॉश, एक्स्ट्रा रिंस और एंटी रिंकल एंड स्पीड परफेक्ट ये सब चीज़ें आप इसमें अलग से एक्टिवेट कर सकते हैं। इस वाले प्रोग्राम में भी मशीन डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनर दोनों चीज़ों का यूज़ करती है। फोर्थ प्रोग्राम आपको मिलता है मिक्स लोड का। इसमें जो आपको लोडिंग कैपेसिटी मिलेगा वो 4kg का मिलेगा। टेम्परेचर इसमें कोल्ड टू 60 डिग्री तक जाता है। RPM सेम इसका 400 टू 1400 के बीच में आप सेट कर सकते हैं। प्री वॉश, एक्स्ट्रा रिंस, एंटी रिंकल एंड स्पीड परफेक्ट ये सब चीज़ें आप इसमें अलग से एक्टिवेट कर सकते हैं। डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनर दोनों चीज़ों का मशीन इस प्रोग्राम में यूज़ करती है। फिफ्थ प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें डेलिकेट एंड सिल्क का, जिसका आपका लोडिंग कैपेसिटी मिलता है 2kg का। इसमें मशीन जो टेम्परेचर लेगी वो कोल्ड टू 40 डिग्री रहेगी एंड RPM इसमें 0 टू 800 के बीच में आप सेट कर सकते हैं। प्री वॉश, एक्स्ट्रा रिंस और एंटी रिंकल ये तीनों चीज़ें आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। स्पीड परफेक्ट आप इस वाले मोड में एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनर दोनों चीज़ों का मशीन इसमें यूज़ करती है। सिक्स प्रोग्राम आपको इसमें मिलता है वूल का, जिसमें आपको लोडिंग कैपेसिटी मिलता है 2kg का। टेम्परेचर की बात करें कोल्ड टू 40 डिग्री टेम्परेचर इसमें रहता है। RPM इसका आपका 9 RPM टू 800 RPM के बीच में आप कर सकते हैं। प्री वॉश, एक्स्ट्रा रिंस और एंटी रिंकल ये तीनों चीज़ें आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। सॉफ्टनर का सिर्फ मशीन इसमें यूज़ करती है, डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करती है। सेवन्थ आपको मिलता है ड्रम क्लीन का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको महीने में एक बार यूज़ करना है जिससे प्रॉपर तरीके से आपका ड्रम क्लीन हो जाता है। हर महीने ड्रम क्लीन का प्रोग्राम तो आप यूज़ करेंगे बट 3 महीने में एक बार आप इस प्रोग्राम को जब आप यूज़ करो तो उसमें आप डी स्केलर का पाउडर भी डालो तो डी स्केलर की पाउडर की हेल्प से अच्छे से आपका ड्रम और प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाता है। देन एट्थ आपको मिलता है रिंस का प्रोग्राम। अगर आपने कपड़ा बाहर हाथ से धो लिया और आप चाहते हो मशीन के अंदर रिंस प्लस स्पिन करना तो ये वाला प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें मशीन 1400 RPM से रिंस और स्पिन करती है और इसमें एक्स्ट्रा रिंस और एंटी रिंकल का फीचर आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सॉफ्टनर का मशीन यूज़ करती है रिंस करते हुए। नाइन्थ आपको मिलता है स्पिन एंड ड्रेन का। कपड़ा आपने बाहर धो भी लिया और बाहर उसको रिंस भी कर लिया है, आप सिर्फ मशीन के अंदर उसको स्पिन कराना चाहते हैं तो आप स्पिन करा सकते हैं। 1400 RPM की स्पीड से वो कपड़ा रिंस करेगा और एंटी रिंकल को आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। 10th प्रोग्राम आपको इसमें मिलता है क्विल 10 ब्लैंकेट का, जिसका आपका लोडिंग कैपेसिटी है 2.5kg का। कोल्ड टू 60 डिग्री का वाटर टेम्परेचर इसमें रहता है। RPM की बात करें तो 400 टू 1000 इसका RPM रहता है। एक्स्ट्रा रिंस का इसमें साइकिल आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें जो आपका डोज है वो मैनुअली होगा, इसमें आपका आईडोज वाला फीचर काम नहीं करेगा तो लिक्विड डिटर्जेंट आपको इसमें मैनुअली फिल करना पड़ेगा। 11th प्रोग्राम आपको मिलेगा इसमें स्पोर्ट्स वेयर का, जिसमें आपको लोडिंग कैपेसिटी मिलेगा 2kg का मिलेगा। टेम्परेचर इसमें आप कोल्ड टू 40 डिग्री तक जा सकते हैं। RPM का स्पीड इसका आपका 400 टू 800 के बीच में रहता है। प्री वॉश, एक्स्ट्रा रिंस और एंटी रिंकल ये तीनों चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं।
डिटर्जेंट मशीन सिर्फ इसमें लेगी, सॉफ्टनर का यूज़ नहीं करती है। 12th प्रोग्राम आपको मिलेगा इसमें एलर्जी प्लस का, जिसमें आपको लोडिंग कैपेसिटी मिलेगा 6.5 केजी का मिलेगा। टेम्परेचर इसमें आपको कोल्ड टू 60 डिग्री के बीच में देखने को मिल जाएगा। RPM इसमें आपको 400 टू 1400 के बीच में मिलेगा। प्री वॉश, एक्स्ट्रा रिंस, एंटी रिंकल एंड स्पीड परफेक्ट, ये सब चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपको इसमें मिलेगा क्विक 15 एंड 30 का, जिसमें इसका लोडिंग कैपेसिटी रहेगा 4 kg एंड 2 kg का। टेम्परेचर इसमें आप कोल्ड टू 40 डिग्री तक वॉश कर सकते हैं। RPM इसमें आपका 400 टू 1000 RPM के बीच में रहेगा। एक्स्ट्रा रिंस, स्पीड परफेक्ट का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनर दोनों चीज़ों का मशीन इसमें यूज़ करती है। देन लास्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें ऑटोमेटिक 40 डिग्री का, जिसमें मशीन फैब्रिक के लोड के हिसाब से ऑटोमेटिक टाइमिंग एडजस्ट करती है। लोडिंग कैपेसिटी इसमें आपको मिलता है 6 kg का। टेम्परेचर इसके अंदर फिक्स है 40 डिग्री का। डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनर इन दोनों चीज़ों को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं इस 9 kg की वॉशिंग मशीन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। 65 लीटर का इसके अंदर आपको ड्रम का वॉल्यूम देखने को मिलेगा, तो काफ़ी बड़ा इसके अंदर आपको ड्रम मिलता है। इसके कनेक्शन रेटिंग की बात करूँ तो 2050 वॉट का इसके अंदर आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू ये वाटर वार्म करता है। इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो 84.8 सेंटीमीटर का इसका हाइट देखने को मिलेगा। विड्थ इसका 59.8 सेंटीमीटर का एंड डेप्थ इसका 59 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिल जाएगा। मशीन के नेट वेट की बात करूँ तो 74.8 kg का इसके अंदर आपको नेट वेट देखने को मिलेगा, तो काफ़ी भारी ये मशीन आपको देखने को मिल जाती है। इको साइलेंस ड्राइव का इसके अंदर आपको फीचर देखने को मिल जाता है। जो मॉस की मशीन में जो मोटर मिलेगी वो आपको BLDC मोटर मिलेगी, जो कि ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर होती है, जिसकी हेल्प से जो मशीन है और पावरफुल हो जाती है, क्वाइट हो जाती है, इकोनॉमिकल हो जाती है एंड एफिशिएंट भी हो जाती है। एक्टिव वाटर का फीचर बॉस की इस मशीन में आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 256 प्रिसाइज वाटर लेवल आपको देखने को मिलते हैं, जो कि फैब्रिक का लोड और फैब्रिक का टाइप उसके अकॉर्डिंगली मशीन वाटर कंज्यूम करती है। स्पीड परफेक्ट का फीचर आपको बॉस की वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाता है, जिसमें वो 65% टाइम को रिड्यूस करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन वॉशिंग रिजल्ट्स। रीलोड का फंक्शन आपको बॉस की वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको वॉशिंग साइकिल के अंदर आप वॉशिंग मशीन को पॉज करके उसमें लॉन्ड्री आप रीलोड कर सकते हैं। एलर्जी प्लस का फीचर बॉस की इस वॉशिंग मशीन में आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें इफेक्टिवली क्लीन करता है एलर्जेनिक रेसिड्यू सच एज पोलेंस, एनिमल हेयर, डस्ट माइट्स। प्रोग्राम्स ऑल्सो रिकमेंडेड है लाइक बेबीज के टॉयलेट्स के क्लॉथ के लिए, मेडिकल पेशेंट्स के लिए, या घर में कुछ ऐसा पेशेंट है जिनको आपका स्किन का प्रॉब्लम है, उन सब का कपड़ा आप इस प्रोग्राम में वॉश करके आप हाइजीनिकली क्लीन कर सकते हैं। वेरियो ड्रम का फीचर आपको बॉस की इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाता है, जिसमें आप ड्रम का डिज़ाइन देखेंगे तो वेव ड्रॉपलेट डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, जिसके हेल्प से जो कपड़ों के अंदर आपको रबिंग मिलेगी वो आपको और बेटर देखने को मिलेगी। ड्रम के साथ जो उसका पैडल्स एंड लिफ्टर का डिज़ाइन देखेंगे वो काफ़ी बड़े आपको पैडल्स देखने को मिलते हैं, जिसके हेल्प से जो कपड़ों का रोटेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। एंड जिसका जो ड्रम है उसका वॉल्यूम की बात करें तो काफ़ी बिगर कैपेसिटी में इसका ड्रम आपको देखने को मिल जाता है। एंटी वाइब्रेशन साइड पैनल्स बॉस की इस वॉशिंग मशीन में आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से इसका स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है एंड वॉशिंग मशीन आपको बिल्कुल क्वाइटली वर्क करता हुआ दिखता है। एंटी रिंकल का फीचर बॉस की इस वॉशिंग मशीन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको जो फाइनल स्पिनिंग के बाद जो कपड़ा मिलेगा उसमें आपको देखेंगे तो रिंकल आपको 50% कम देखने को मिलेंगे। देन लास्ट में हम बात करते हैं इसकी वारंटी एंड सर्विसेज की। 3 ईयर का इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको देखने को मिलता है एंड इसका जो मोटर है उसके ऊपर आपको 12 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाता है। देन हम बात करते हैं इसकी एसेसरीज की। तो 799 का बॉश का ओरिजिनल वॉशिंग मशीन कवर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी ट्रॉली की बात करें तो 2 वेरिएंट आपको ट्रॉली के अंदर देखने को मिलेंगे, एक आपका 1999 और एक आपका 2999। इन सब का परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह की मैं और भी वीडियो इन फ्यूचर लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड लक।